एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ कॉलेजियन पार्टनर्स ऑफ एंडीप्रोन। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं, सो हाय गाइस, आई एम आशा एंड आई एम हियर एज अ करियर काउंसलर। यहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ ये पहचानने में कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर एनी प्रमोट द वीडियो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो वीडियो है इसमें हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या फिर उसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर स्टूडेंट फीडबैक, मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट करें या उसे डिग्रेड करें। हम यहाँ आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको अपने कॉलेज रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस कि प्लीज आप अपने कॉलेजेस को रेट जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो हमारे यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो उनके लिए बेटर है या बेस्ट है या फिर वर्थ इट ही नहीं है। तो आप प्लीज रेट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, आज के वीडियो में हम जिस कॉलेज के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे शॉर्ट में IIITDM भी कहा जाता है। सो गाइज, ये जो कॉलेज है ये सिचुएटेड है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी गाइज, वो IIITDM के एंट्रेंस की इमेज है। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन की हम अगर बात करें गाइज, तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, इसे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट है गाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि है जबलपुर मध्य प्रदेश में, जिसका मेन फोकस जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। गाइज, इसे IIIT एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो कैंपस है ये इंक्लूड करता है 3 हॉस्टल, जिसमें से 2 जो हैं जो कि हॉल 3 और हॉल 4 हैं, ये ट्रिपल सीटेड रूम्स हैं, एंड जो एक हॉस्टल है गाइज वो सिंगल सीटेड है। एंड बहुत सारे जो हॉल्स हैं रेजिडेंसेस वगैरह के, वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट है गाइस, उसमें उनका खुद का क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, ऑल्सो इनके यहाँ पर टेनिस कोर्ट भी है। गाइस, ये तो हो गई कैंपस की बात, बढ़ते हैं हम इसके एडमिशन के बारे में। तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें एडमिशन लेना है तो एडमिशन के बेसिस पे होता है, दैट इज JEE मेंस एंड UCEE। सो जो JEE के रिजल्ट्स होते हैं उनके थ्रू BTech में एडमिशन मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में आपके JEE रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। UCEE के एग्जाम के थ्रू आपको बी डिज़ाइन में एडमिशन मिलता है। एंड जो PG लेवल के कोर्सेज हैं उसके लिए गेट आपका MTech के लिए यूज होता है। अगर आपको MTech में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके गेट के रिजल्ट देखे जाते हैं, या तो फिर आपका CEED यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, ये आपसे आपका मांगा जाता है इसका रिजल्ट। सो CPI के साथ में आपका CEED देखा जाता है। तो गाइज, ये था इनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं हम इसकी कुछ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल की तरफ। इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो जो हमारा IIITDM है ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है गाइज, इसका अफिलिएशन या फिर ये अप्रूव हुआ है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू। इस्टेब्लिश हुआ है ये कॉलेज ईयर 2005 में, एंड इसका जो एड्रेस है गाइज वो है एयरपोर्ट रोड, PDPM IIITDM जबलपुर कैंपस, खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इनका जो फ़ोन नंबर है हमने आपको प्रोवाइड किया है, ऑल्सो इनके वेबसाइट की लिंक भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इनसे भी इनके फ़ोन नंबर या फिर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंपस पे हम आए तो इनका जो कैंपस है वो है 300 एकड़ का, और जो मेन कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं वो हो गया BTech, MDesign, MTech एंड PhD। तो गाइज, इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें IIITDM कॉलेज को आफ्टर 50 क्या रेट करना है। और गाइज, अगर आपको भी एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो और या फिर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे भी हमारे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो
गाइस इंट्रोडक्शन एंड डिटेल्स तो हो गया, बढ़ते हैं हम इसकी गैलरी की तरफ। तो ये रहा इसके एंट्रेंस की इमेज, ये रहा, ये है कैंपस के बीचों बीच का गार्डन आई गेस, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है कैंपस की तरफ। एंड या तो देखने में इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अगर कॉलेज अच्छा है तो ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, और अगर कॉलेज बुरा है और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें उस कॉलेज में इंटरेस्ट लेना चाहिए जस्ट बिकॉज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ऑल्सो आपको ना कभी पिक्चर्स पे कैंपस बहुत अच्छा लग रहा है तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप खुद वहाँ विजिट करो एंड आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे आजकल ऐसे होते हैं ना कि कॉलेज में एकेडमिक्स नहीं देखेंगे कुछ नहीं, बस बाहर से बिल्डिंग देख ली, यार बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉलेज होगा, तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, राइट। तो ये हो गया हमारे गैलरी के इमेजेस, बढ़ते हैं हम इसके कोर्सेज एंड फीस की तरफ गाइस। तो ये जो फीस है बीटेक के लिए हम देखें तो इनकी फर्स्ट ईयर की फीस है 1.38 लाख, विच इज़ लाइक एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, सो इनकी फीस थोड़ी डिफरेंट है एंड कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, आई मीन अगर हम दूसरे कॉलेजेस से देखें, बट इट्स ओके उनका खुद का है ये। तो बीटेक में तो हमने देख लिया, बी डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो बी डिज़ाइनिंग में 1.38 लाख अगेन फॉर फर्स्ट ईयर, एम डिज़ाइनिंग में ये लेते हैं 1.31 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, एम टेक में 1.31 लाख अगेन फॉर फर्स्ट ईयर, एंड पीएचडी की बात करें पीएचडी में फर्स्ट ईयर में 58,000 फीस लेते हैं। ऑल्सो गाइस लेट मी टेल यू कि ये जो डेटा है ये हमें इंटरनेट मीडिया या फिर स्टूडेंट के थ्रू मिला है, तो अगर आप कॉलेज में जा कर के कोई इंक्वायरी करते हैं रिगार्डिंग फीस तो वहाँ पे जो आपके जो फिगर्स होंगे ना वो थोड़े से डिफर करेंगे। ऑल्सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है फीस रिगार्डिंग तो आप डायरेक्ट कॉलेज में भी पता कर सकते हैं गाइस, या फिर आप हमें भी हमारे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अप नेक्स्ट इज हमारा डिटेल्ड ब्रांच वाइज कोर्सेज, तो देखते हैं क्या क्या स्ट्रीम्स हमें मिल रही हैं। तो बीटेक में अगर आप जाना चाहेंगे तो बीटेक में जो स्ट्रीम्स ये आपको देते हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एमटेक की हम बात करें तो एमटेक में ये जो आपको स्ट्रीम्स दे रहे हैं वो हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कैड या फिर कैम, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल, एंड माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पीएचडी की हम अगर बात करें गाइस तो पीएचडी में ये जो आपको स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया वीएलएसआई डिज़ाइन, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो गाइस हमने डिटेल ब्रांच वाइज कोर्सेज भी देख लिया, फीस भी देख लिया, बट आप एलिजिबल हैं या नहीं आइए वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जैसे बीटेक में आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे ये आपसे मांगते हैं आपका 12th साइंस स्ट्रीम के साथ यानी कि PCM, एंड उसमें आपके होने चाहिए 50% मार्क्स। बी डिज़ाइनिंग में अगेन आपसे मांगा गया है आपका 12th, एंड उसमें मिनिमम होना चाहिए 50% मार्क्स। एमटेक के लिए आपसे आपकी बीटेक की डिग्री मांगी गई है रिलेवेंट स्ट्रीम में, जैसे कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस में एमटेक करना है तो आपकी कंप्यूटर साइंस में बीटेक होनी चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में करना है तो सिविल में आपका बीटेक होना चाहिए। तो एमटेक के लिए आपका बीटेक डिग्री मांगी गई है रिलेवेंट स्ट्रीम से और उसमें आपके होने चाहिए कम से कम गाइस 55% ऑफ मार्क्स। एम डिज़ाइनिंग में आपसे मांगा गया है बैचलर्स डिग्री आपकी, उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स, और पीएचडी में आपकी जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वो भी आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए, एंड उसमें आपके मांगे गए हैं एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है आपको फीस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एडमिशन ले सकते हैं इफ़ यू फील इट्स गुड फॉर यू। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसकी रैंकिंग की बात करें तो गाइस एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, इतना ईजीली हमें नहीं मिल पाया है ये डेटा, लेकिन हमें जैसे ही ये डेटा मिलेगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो गाइस बढ़े हम इसके मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ।
तो मिसलेनियस टॉपिक्स में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही आपकी अच्छे से करवाते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम इनका ठीक ठाक है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छा है, स्टडीज मॉडरेट है। एंड प्लेसमेंट की हम बात करें तो गाइज ये जो IT सेक्टर्स है ना उसमें इनका प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन यही कोई दूसरी ब्रांचेज हो गई तो उसमें ये आपको प्लेसमेंट उतना अच्छा प्रोवाइड बहुत बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इनका सिर्फ जो प्लेसमेंट है वो IT सेक्टर्स में ही अच्छा है। तो जैसे कि आप अगर दूसरे स्ट्रीम से BTech कर रहे हैं दैट इज़ नॉट कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो गाइज ये तो था इसका मिसलेनियस टॉपिक्स, बढ़ते हैं हम अपने व्यूअर्स फीडबैक की तरफ। तो आइए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स का क्या कहना है। तो गाइज हमारे जो पहले व्यूअर हैं वो कहते हैं कि अगर ये सच सच कहें तो जो कॉलेज है वो काफ़ी एवरेज है, क्योंकि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अच्छा है लेकिन जो एकेडमिक्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है कुछ सर्टिफिकेट्स मिलने के लिए। जो हमारे व्यूअर हैं ये कोऑर्डिनेटर थे सेकेंड ईयर में, लेकिन फिर भी इन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। हमारे जो अगले व्यूअर हैं ये कहते हैं कि इनका जो कॉलेज का प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जो कॉलेज है ये सिर्फ IT सेक्टर में ही प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था ये जो है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं एंड ऐसे में ये IT सेक्टर के नहीं हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और इनकी नज़रों में कहा जाए तो जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस के बच्चे हैं उन्हें ही अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, दूसरे ब्रांचेस को नहीं मिल पाता है। हमारे जो अगले व्यूअर हैं वो कहते हैं कि एकदम पथेटिक और बोगस कॉलेज है ये कंट्री का, एंड जो गवर्नमेंट है इसे फिर से सोचना चाहिए इसका जो डिसीजन है IIIT को फैलाने का। एंड ऑल्सो ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो आपको मेंटली हरास भी कर सकते हैं अगर आप उनको ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सा रिव्यू हो गया, थोड़ा ख़तरनाक। बढ़े हम अपने अगले व्यूअर की तरफ। तो ये कहते हैं कि जो बैड रिमार्क है कॉलेज का वो ये है कि ये जो कॉलेज है ये अभी अपने बर्डिंग पीरियड में है, तो अभी तो ये ग्रो कर रहा है कॉलेज, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो लेट ज्वाइन करेंगे उन्हें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में वहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एंड हर बदलते हुए साल के साथ ये जो कॉलेज है ये इम्प्रूव हो रहा है। हम अपने अगले व्यूअर की बात करें गाइस, तो ये कहते हैं कि पोल्यूशन फ्री है एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंट है एंड जो हॉस्टल से व्यू आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। हम अपने आज के लास्ट व्यूअर की बात करें तो ये कहते हैं कि 2015 में बी डिज़ाइन का जो कोर्स था वो इस कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल है जॉब्स एंड प्लेसमेंट के बारे में। जो कॉलेज है वो अभी काम कर रहा है प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप जो है उनके स्टूडेंट्स के लिए, उसमें अभी काम चल रहा है। तो आने वाले सालों में हम इनसे अच्छे प्लेसमेंट के लिए एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं गाइस। तो ये तो थे हमारे आज के व्यूअर्स फीडबैक। आगे बढ़ते हैं हम।